Guys, relax. Please.
प्लीज प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, परफॉर्म करने का मौका तो दो यार, कमो थोड़ा परफॉर्म करने का मौका तो दो। अब आते देखो दारू पे, दारू 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 कोना नाचे उसको मार। देखो अब दारू एक ऐसी चीज है जो मैं नहीं पीता, अगर तुम मुझे पिलाओगे मैं सो जाऊंगा और तुम्हारा उससे पहले चखने और खा जाऊंगा। मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को दारू नहीं पसंद। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया था। मैंने जब पहली बार पिया था मैं था 9th क्लास में, टैटू भी 9th क्लास में बनवाया था खैर। हाँ तो मैं 9th क्लास में था, मैं और मेरे दो दोस्त हम ऐसे ही बैठे हुए, हमने सोचा बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, अब हम बनेंगे बदमाश, आज हम पीने चलते हैं। तो मैंने कहा भाई चलो पीने चलते हैं। तो मैं और मेरे दो दोस्त एक ऐसी जगह पीने गए जहाँ कोई नहीं जाता, दिल्ली में तो मतलब कोई नहीं जाता ऐसी जगह, उस जगह का नाम है हौस खास। हम वहाँ गए, हम पहुँचे, तो मेरे जो दो दोस्त हैं उनका नाम तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से दो लोगों का नाम लूँ। तो देखो एक एक करके बोलोगे तो समझ में आएगा मुझे। हाँ नहीं भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने नाम में शुरू कर देता हूँ। दो नाम रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं सैतुल और दूसरे का नाम रख लेते हैं मंजुल, ठीक है। अब मैं फैजुल और मंजुल तीनों निकले दारू पीने, वहाँ पहुँचे हम एक बार में, हम बैठे, हमने कहा क्या पिए, मैंने कहा बियर। फैजुल कहता अरे बियर तो सातवीं के बालक पीते हैं, कुछ असली चीज़ ला। और सही में सातवीं के बालक ही पीते हैं बियर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, DPS के हैं, DPS के लौंडे जानते हैं सातवीं में प्रेप में बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, 12वीं तक मास्टरी हो जाती है बिगड़ने में। खैर अब क्या हुआ, मैंने कहा चल यार बियर नहीं पिएगा तो क्या पिए, विस्की। वो कहता भाई इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं, ठीक है विस्की तो भाई बहुत ऊपर चीज़ है। तो हमने कहा चल एक काम करते हैं वोडका पी लेते हैं, जल्दी पी लेंगे और नशे भी बहुत जल्दी हो जाते हैं उससे। तो हमने दो दो शॉट वोडका के मार लिए और भाई हमारी पूरी जिंदगी बदल गई, सच बाहर आने लगा। पहले मंजुल मंजुल भाई साहब ऐसे, उसकी बहुत बुरी सी सड़ी सी शक्ल बन गई ऐसे, यार भाई जाने भी चाहिए यार। मैंने कहा चल सही है बाकी सिस्टम तो सो रहा है ना, सही है। फिर आती है बारी अपने फैजुल की, अपना फैजुल भाई अलग चल रहा है, वो लौंडा ही गलत है बहुत ज्यादा, उसे हो गए भयंकर नशे, जैसे कहते ना तुम्हें नहीं लगता इस प्लेनेट पे एलियन वेलियन होते हैं। अजय सुन भाई मैं तुमको बता रहा हूँ ये जो जादू है ना ये असली है, ये जादू हमारी सारी तू खा जाएगा फिर क्या करेगा तू, है फिर क्या करेगा तू। उसके बाद कहता भाई फैजुल कहता भाई, मैंने कहा कि एलियन वेलियन तो चल ठीक है यार होते नहीं होते उससे क्या लेना देना। कहता भाई तू खुद सोच ना, तू चाट वाली दुकान पे जाता है और इसे तेरे साइड में जो लड़की गोलगप्पे खा रही है वो एलियन हो फिर। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। कहता भाई तू खुद सोच ना, इतना बड़ा गोलगप्पा इतना सा मुंह एक बार में कैसे। फैजुल अरे फैजुल भाई मेरे को तो भाई ने हक दिया।
अब इस कहानी का क्या शीर्षक है? है? मैंने क्या किया था? मैं दारू पी के पागलों की तरह नाचा। ठीक? अब मेरे को ये बताओ इस कहानी का शीर्षक क्या है? दारू नहीं पीनी चाहिए, गांजा, गांजा। सस्ते नशे नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? अब सुनो। पहले की आदमी क्या? चलो एक काम करो, भाड़ में जाए परफॉर्मेंस ही होता, क्या हाल है? ये तो मेरे को डेड लग रहे सारे, जितने भी ऊपर बैठे हैं ना उन्होंने कहा था हमें अच्छा व्यू मिला ही नहीं, सारे डेड। खैर आगे बढ़ते हैं। यार ले लो तो कैरी ले लो या रूपाली ले लो, एक नाम चलता भाई, दोनों नहीं, कैरी रूपाली नहीं, कैरी को एज है, वो घर पे अपने, मैं आया हूं मेरे को नहीं है। देखो थोड़ी शांति हो गई तो मैं भी सुन पाऊंगा अपने आप को मैं क्या कह रहा हूं, अभी मेरे को भी नहीं पता चल रहा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, कह रहा हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मॉल है ना, ये मॉल मुझे बहुत पसंद है। इस मॉल में ना मतलब बहुत टाइम हो गया मुझे आए वैसे तो, लेकिन ये मॉल मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहली बार मैं जब इस मॉल पे आया था मेरा बर्थडे था, मैं और मेरे कज़न से आए थे, हमने सोचा था आज तो तूफानी करेंगे। मैंने कहा तूफानी में क्या होता है? तूफानी में होती है आइस स्केटिंग। कितने लोगों ने आइस स्केटिंग की है? क्या बात है, सारे अमीर बैठे हैं। खैर हमने कहा चलो आइस स्केटिंग करते हैं। अब हम पहुँचे, मतलब हमारा प्लान ये था, मेरा पूरा प्लान था मैं आइस स्केटिंग करूँगा, लेकिन मैंने की आइस स्केटिंग, क्योंकि देखो सबका बैलेंस नहीं बन पाता है बर्फ पे, सिंपल सी बात है, सबका बैलेंस नहीं बनता है बर्फ पे। अब मैं पहुंचा, मैं और मेरे कजन, पहले हमें ऊपर बिठा दिया, पहले कहते देखो सिर्फ देखो क्या हो रहा है कैसे कर रहे हैं लोग, तो लोग जो रहे पता ही एक्सपर्ट बन रखे थे, ऐसा करते पूरी आइस स्केटिंग फुल एक्सपर्ट, और दो तीन लौंडे तो इतने गलत पीछे होकर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, सू मतलब फिजिक्स को मुँह में लिया चबाया और थूक दिया भाई, गलत सी, मैंने नहीं देखी है चीज़ कभी भी आज तक। मैंने कहा यार ये हम सब के सब, हम मैं और मेरे कजन सारे नर्वस, कि कैसे करेंगे यार। हम पहुंचे वहां पर, सामने गेट है, खुला गेट, सामने बर्फ, मेरे आगे मेरे एक बड़े भैया थे, उन्होंने एक पैर रखा आइस की तरफ, वो कहते अरे तू मुझे बैन करवाएगा। सुन उन्होंने कहा पैर रखा ऐसे, उन्होंने कहते अरे ये तो रोलर स्केटिंग जैसा है, और ऐसे सुर सुर करके गायब हो गए। मैंने कहा सुन तो ले, मैंने कहा भाई चल सही है यार आइस स्केटिंग जैसा है, मैं भी जाता हूँ। मैं गया, मैंने एक कदम रखा, सुन तो लो मैंने एक कदम रखा ऐसे आगे, रुको टिक नहीं रहा हूँ भाई, स्पीकर पड़ा ना तो बम्बू जट रखा पूरा, यहाँ रखा मैंने पैर, फिर मेरे को दूसरा पैर जैसे मैं रखने वाला था ना मेरे को याद आया भाई मैंने तो आज तक रोलर स्केटिंग की नहीं है, बट उस दिन पहली बार टूटी। लेकिन भाई तुम्हारा कहना इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, मैं वापस खड़ा हुआ। सुनो ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है, ठीक है, वो तो होना ही पड़ता है यार, अब पैसे दिए तो करना पड़ेगा ना, ये कोई मजाक थोड़ी ना। तो मैं खड़ा हुआ, मैं रेलिंग पकड़ के धीरे धीरे करना शुरू हुआ। क्या क्या बात कर रहे हैं, फ्री है हैं? यार मुझे तो पता ही नहीं था। खैर सुनो, रेलिंग पकड़ के मैं धीरे धीरे आइस स्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसे करता हुआ। अब क्या होता है ना आइस स्केटिंग में, अगर तुम गए होगे तो वो ओवल शेप का है, तो उसमें या तो तुम क्लॉकवाइज करोगे या एंटी क्लॉकवाइज करोगे, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था मामला। तो भाई एक भोली भाली लड़की ने सोचा माँ लाइफ माँ रूल्स, उसने यूटर्न ले लिया, उस लड़की ने यूटर्न ले लिया, सब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो लड़की ऐसे ऐसे जा रही है।
अब भैया ये सोचो उसे भी नहीं आती आइस स्केटिंग, वो भी शायद पहली बार ही आई होगी। वो आए उसका बैलेंस ऐसा बिगड़े बिल्कुल भैया, ऐसे 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 यू 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 पूरी लॉकिंग एंड पॉपिंग सब चल रही है लड़की की, लेकिन गिर नहीं रही है वो। इतनी पूरी मूवमेंट दे रही, या तो गिर जा या तो ये करना बंद कर, दो ही काम हो सकते हैं। अब मैं आ रहा, मैं देख रहा यार ये तो कुछ तो गलत सीन है। अब क्या होता है ना जब तुम कर रहे हो तो ना ऐसी चीज़ें, तो दूसरों को देख के भी तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता है, मेरा भी बिगड़ गया। अब मैं भी ऐसे 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 हम दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे चल रहे हैं, यू 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 ऐसे ऐसे दोनों, वो मेरी तरफ आ रही है, वो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। और वो था जब हम पहली बार मिले, हमारी शादी हो गई, हमारे तीन बच्चे हुए जिनका नाम, तीनों का नाम राजा था। नहीं काश ऐसा हुआ था, नहीं, लेकिन हम दोनों यू यू कर रहे हैं ना, तो देखो वो तो गिरी नहीं, लेकिन मैं जरूर गिरूंगा क्योंकि ऑब्वियसली यार किस्मत जिंदगी झंड है ना, तो मैं गिरा वो भी उसके चरणों में बिल्कुल ऐसे यहाँ। तो एकदम से कहती ओह माय गॉड आर यू ओके, आर यू ओके, तुम्हें लगी तो नहीं? मैंने कहा वो सब तो ठीक है, पहले खड़ा करना, ये क्या बात हुई। अब मैंने कहा यार चलो ये सब तो ठीक है, उस दिन मैं बहुत बार गिरा कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये तो चलो एक इवेंट हो गया स्केटिंग में, मैंने कहा इतनी जल्दी थोड़ा हार मानूंगा मैं अगले साल दोबारा गया। अब ऑब्वियसली रोज रोज तो एम्बियंस नहीं जा सकते ना, मैं पापा को बोलूँ पापा एम्बियंस जाना पैसे दे दो, पापा कहेंगे हाँ फ्रिज के नीचे 200 रुपये रखे चमोच कर। भाई 200 रुपये में कौन घूमता है एम्बियंस, 200 रुपये में पार्किंग में खत्म हो जाते हैं 200 रुपये, कुछ ही नहीं है उसका। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अगले साल गया मैं दोबारा, तब मतलब उस टाइम भी गिरा मैं, लेकिन थोड़ी बहुत सी मास्टरी हो गई, बैलेंस बन गया अच्छा खासा भाई का। फिर 2 महीने बाद मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसने कहा एम्बियंस चलते हैं। मैंने कहा एम्बियंस जा रहे तो आइस स्केटिंग करते हैं, मैंने कभी की नहीं है लेकिन क्या पता मज़ा आ जाए। ठीक है, तो मैं उसके दोस्त और मैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त और उसके भी दोस्त थे बहुत सारे, तो हम सारे गए आइस स्केटिंग में। अब हम भी ऊपर बैठे, हम देख रहे हैं सब ये सू एक्सपर्ट सारे, तो सब नर्वस, सबकी फटी पड़ी है भाई ये कैसे करेंगे। और मैंने एक्टिंग कर ली थी जैसे मेरी भी फटी पड़ी है, मैं भी यार पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, कुछ भी हो करेंगे ज़रूर। तो अब गेट के सामने खड़े हम, मैं खड़ा मेरे पीछे मेरा दोस्त, गेट खुला मैंने एक पैर रखा आगे, मैंने कहा ना सुन तो ले, मैंने पैर रखा, मैंने कहा अबे ये तो रोलर स्केटिंग जैसा। ये तो रोलर स्केटिंग जैसा है, और सू सू करके मैं गायब। मेरा दोस्त कहता है चल सही है यार रोलर स्केटिंग जैसा है। उसने एक कदम रखा और जैसे वो दूसरा कदम रखा था उस दिन उसकी पहली बार टूटी। तो उसके बाद जब ये सीन हुआ ना पूरा, मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा यार इस बार तो मैंने ले ली अच्छे से, पूरी आइस स्केटिंग करके आया हूं मैं। क्या ले ली? मैंने आइस स्केटिंग की ले ली ना। अब आइस स्केटिंग तो यार एक वस्तु है, उसका क्या मतलब निकाल सकते हो तुम, बुरा से बुरा बहुत कुछ मतलब सारे तो हो रहे हैं ना ऐसे कैसे। खैर सुनो तो सही, जब मैं वापस गया आइस स्केटिंग करके मैं बड़ा खुश, मैं फुल चौड़ में, मेरे को लग रहा है कि मैंने दुनिया उखाड़ के वापस चिपका दिया। मैं गया घर साइड में, मतलब बेड पे आया, पापा साइड में बैठे थे, मैं बैठा फुल चौड़ में, मम्मी आती खाना लगाती, मम्मी कहती खा, मैंने कहा आ आ आ खाना खा नहीं खिलाओ खिलाओ। पापा कहते ऐसे सुनो, जैसे यहाँ खड़ा हूँ यहाँ बैठा हूँ, पापा यहाँ बैठे, पापा कहते अबे क्या हो गया तुझे। मैंने कहा पापा आज मैं करके आया, थैंक यू सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, मुझे बहुत मजे आते हैं सही उठाऊँ।